बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर अबुजर गफारी, गफारी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज बात करते हैं पेशावर की रिंग रोड की, और पेशावर की रिंग रोड के इर्द गिर्द कौन कौन से प्रोजेक्ट है। हाउसिंग सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पे पेशावर के रिंग रोड से किसको फ़ायदे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पहले भी रिंग रोड जो है था, फिर आगे भी जो है थोड़ा सा बन गया, अभी जो है कहाँ तक इनकी एंडिंग पॉइंट जो है क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट तो बेशुमार लोगों को पता होगा, लेकिन इसकी एंडिंग पॉइंट जो अख्तिताम है जो है इसका रिंग रोड का, वो कहाँ पर है। क्योंकि आपको बताया कि पेशावर का जो है, पेशावर रीजन में हाउसिंग सोसाइटी उस लेवल की नहीं है जिस तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी में है। तो पेशावर में जो है लिविंग के लिए जो है कोई अच्छी जगह नहीं है। अभी जो है रिंग रोड की वजह से कौन कौन से नए सोसाइटीज़ आ रही है, और जो ऑलरेडी सोसाइटीज़ है उनको क्या फ़ायदे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है मैं रावलपिंडी के रिंग रोड के बारे में, रावलपिंडी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, इसकी जो डेवलपमेंट के बारे में मैं मालूम आपके सामने लेके आता रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि पेशावर के ऊपर भी फोकस करते हैं। वहाँ से बेशुमार लोग जो है कॉन्टैक्ट करते हैं और यही पूछते हैं कि पेशावर के ऊपर आप जो है वीडियो बनाया काम करें, जो वहाँ पर इन्वेस्टर है जो परचेस करना चाहते हैं। जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है बनने जा रहा हो, तो उसके 4-5 साल के बाद जब वो कम्प्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो उस एरिया में जो प्लाट परचेस करते हैं, जो ज़मीन परचेस करते हैं, उसकी कीमत जो होती है वो काफ़ी गुना जो है बढ़ जाती है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो स्पेसिफिक जो है रिंग रोड पेशावर है, और रिंग रोड पेशावर को किस हाउसिंग सोसाइटी, किस एरिया को फ़वाद होंगे फ्यूचर में, और ऑलरेडी जो अभी है वो तो आपको पता है कि कहाँ तक है, लेकिन आगे कहाँ तक बनना है, ये जो है मेरा टॉपिक है। नज़रीन, आपको पता है कि रिंग रोड पेशावर जो है हाथाबाद से स्टार्ट होता है और मोटरवे तक आपने ऑलरेडी काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे हैं। इनके अलावा जो है ये मोटरवे के बाद जो है ये कबूतर चौक तक, कबूतर चौक जो है वहाँ पे 7 मंडी सिटी पेशावर का प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले। मैंने आपको लिंक आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। इसकी ने ज़मीन भी परचेज़ की है, और ये इस्लामाबाद का बहुत बड़ा नाम है, ये कराची का तो सबसे बड़ा नाम है। कराची की इनकी 8,000 एम्प्लॉयज़ है। तो कबूतर चौक के साथ जो है वहाँ पर 7 मंडी सिटी पेशावर है, OPF कॉलोनी भी है राइट साइड के ऊपर। तो ये, और इसके बाद जो है ये इनका एक्सेस जो है कबूतर चौक से वो आगे वर्सक रोड तक जो है ये बन चुका है। और इसकी इस वक्त अगर आप ये जानना चाहे कि रिंग रोड पेशावर जो है कहाँ तक बना है, तो वो बना है वर्सक रोड तक, और वर्सक रोड से आगे कहाँ तक बनना है जिसके ऊपर काम चल रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो है हाथाबाद को रिंग रोड का जो है फ़ायदा है, जो ऑलरेडी बन चुका है, जिसके ऊपर जो है ट्रांसपोर्ट जो है चल रही है वो हाथाबाद है, और एक वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है 7 मंडी सिटी पेशावर, उसको भी जो है रिंग रोड का इस वक्त जो है फ़ायदा है। और वर्सक रोड के ऊपर जो है फ़ायदा, क्योंकि वर्सक रोड के साथ बहरिया टाउन पेशावर जो है लॉन्च होने जा रहा है, तो उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा फ्यूचर में। इसके साथ साथ वर्सक रोड से आगे इन्हें जाना है DHA, आपने नाम सुना डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, बहुत बड़ा काम उसके ऊपर हुआ और बड़ा काम चल रहा है। पेशावर का एक मेन प्रोजेक्ट है हैदराबाद के बाद। तो DHA का जो प्रिज्म ब्लॉक है, जो कमर्शियल ब्लॉक है, प्रिज्म असल में जो है उनका कमर्शियल ब्लॉक है, ये वहाँ तक जो है इसने बनना है। और फिर DHA प्रिज्म का जो ब्लॉक है उनसे आगे जाके ना ये नासिर बाग रोड को टच करेगा, और जब नासिर बाग रोड को टच करेगा तो वहाँ पर रेगिमल टाउन के जो PDA का एक प्रोजेक्ट है उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अगर आप रूट देकर आसान अल्फाज में समझाऊँ, ये ऑलरेडी जो है पेशावर हाथाबाद से लेकर और ये वर्सक रोड तक जो है बन चुका है, इसके इर्द गिर्द जो भी कम्युनिटी है वो इनसे फ़ायदा जो है ले रहे ऑलरेडी। इनके अलावा DHA को इनका बहुत बड़ा फ़ायदा है, DHA जो है ये टच करेगा प्रिज्म जो ब्लॉक है, जो जिनका कमर्शियल का ब्लॉक है वहाँ से गुजरेगा, और इसके साथ साथ जो है इनकी नासिर बाग रोड पर जो रेगमल टाउन है उनको भी टच करेगा। तो ये फ्यूचर में जो है एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हैदराबाद की इस वक्त कनाल के 7-8-10 करोड़ रेट है, तो मुझे लग रहा है कि DHA और रेगमल टाउन की रेट भी अगर 10 करोड़ ना हो तो उनसे भी जो है कम नहीं होंगे। तो 7-8 करोड़ तक जो है इनके भी कनाल पहुंच जाएगा, जो मेरा अंदाज़ा है जो एनालिसिस है, क्योंकि ये उसकी पूरी जो कम्युनिटी है उनको जो है आपस में जो है कनेक्ट करेगा, चाहे रिंग रोड मोटरवे M1 है वो भी उनके साथ अटैच हो जाएगा। तो मोटरवे M1 जो है वो उनसे आप उतरेंगे और रिंग रोड पर चढ़ेंगे, और आप जो है वहाँ से भी सीधा सीधा अपने DHA और रेगमल टाउन आप जा सकते हैं।
तो नाज़रीन इसको थोड़ा सा अगर मैं क्लासिफाई करूँ वो ये है कि इस वक्त पेशावर में रहने के लिए अगर आप जगह देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं अगर ख़ुद को देखूँ तो मैं चाहता हूँ कि पेशावर में अगर मैं क्योंकि मैं तो हूँ इस्लामाबाद में, लेकिन अगर पेशावर में रहने के लिए मुझे आप कहें तो मैं चूज़ करूँगा हाथाबाद को, क्योंकि हाथाबाद जो है उनकी कनेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी रोड के साथ भी है, वो रिंग रोड के साथ भी है, और अंदर जो हाउसिंग सोसाइटी वो बड़ी अच्छी बनी है। इनके अलावा अगर दूसरे नंबर पर प्रेफर करेंगे फ्यूचर में जो बनेगा वो DHA को होगा, DHA इस वक्त भी, लेकिन अगर रिंग रोड के साथ ये अटैच हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इनकी लोकेशन जो है दूसरी साइड से वर्सक रोड साइड से वो उससे भी शार्ट हो जाएगी जब हाथाबाद रिंग रोड की तरफ आएंगे। इनके अलावा रेगिमाल टाउन को, क्योंकि जब नासरबाज को जो है एक्सेस मिलेगा तो वहाँ पर रेगिमाल टाउन में उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और सबसे जो बेहतरीन बात है वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो 7 वंडर सिटी का जो है प्रोजेक्ट है जो कबूतर चौक के साथ दलाजाक रोड के साथ हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वजह से है और वो सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट इसी वजह से है कि वहाँ पे 5 मरले का प्लाट अगर इस वक्त रेट है 25,50,000 है और 3,75,000 बुकिंग है और इसके बाद कन्फर्मेशन है, तो इंस्टॉलमेंट प्लान है 3 साल का। तो मैं समझता हूँ कि इतना सस्ता पेशावर में कोई भी प्लाट की अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात ये कि जब ये रिंग रोड बनेगा, जब कम्प्लीट हो जाएगा, तो आपकी जो आबादी है वो इधर भी जो है कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इनका जो एक्सेस है चाहे आप सेक्रेट की तरफ देखें ना वर्सक रोड की, अगर आपने सेक्रेट की तरफ जाना है तो भी आप रिंग रोड से वर्सक रोड के रास्ते से आप सेक्रेट भी जा सकते हैं। अभी भी आप जो है वर्सक रोड तो कनेक्शन जो है ये रूट तो बना हुआ है, लेकिन इनके अलावा चाहे आप दूसरी जो मेन वो जो चीज़ें जो हब है जो कमर्शल हब है सिटी का वहाँ पर भी एक अच्छी कनेक्शन जो है बन जाता है फ्यूचर में। तो ये एक जो रिंग रोड बन रहा है मैं समझता हूँ ये गेम चेंजर है पेशावर के लिए, और ये आपने जो है इस रिंग रोड को जो है अपने सामने रख के ना आपने पेशावर में इन्वेस्टमेंट करनी है, और इसके लिए जो है हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हमारा पेशावर में ऑफिस है। तो नाज़रीन अगर आप जो है इस मज़ीद तफसीलात आपको चाहिए कि रिंग रोड की किसको ज़्यादा फ़ायद है और वहाँ पर रेट क्या चल रहा है, मेरे जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर DHA का रेट देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रेगिमल टाउन की भी हाथाबाद को सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन GFS का जो प्रोडक्ट है 7 वंडर सिटी पेशावर उनके रेट बड़े मुनासिब है, तो उनको भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। तो नाज़रीन अगर आप पेशावर में जो है डिफरेंट चाहे रेगिमल टाउन है DHA है या जो है आप इसमें जो है 7 वंडर सिटी पेशावर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लाट परचेज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, इस नंबर को ज़रूर डायल करें। फॉरन मार्केटिंग के साथ आपकी अगली मुलाकात फ़ोन पर होगी। नाज़रीन अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह पेशावर के रीजन की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, इसके बारे में एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी, मौजूदा डेवलपमेंट, कौन कौन से बड़े बड़े डेवलपमेंट स्कीम आ रही है, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मालूम चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि फॉरन मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आने वाली जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। इजाज़त चाहता हूँ। अबू ज़र गफ़ारी, गफ़ारी मार्केटिंग, अल्लाह हाफिज़।